बजट सत्र पर केंद्र सरकार आज सर्वदलीय बैठक में अपना एजेंडा सभी दलों के सामने रखेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जाहिर तौर पर इसमें एनडीए के सभी दल शामिल होंगे, लेकिन जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के इस बैठक में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से बचते हुए नजर आए। आरसीपी सिंह ने कहा कि दूसरी पार्टी की बात हम नहीं करते, मैं भी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जिनका आप नाम लेते हैं उन पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। एनडीए में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। एनडीए का नेतृत्व बीजेपी के साथी लोग करते हैं, बस इतना मेरा कहना है कि जेडीयू एनडीए के साथ है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिस कारण जेडीयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह भी रही कि जेडीयू को महज 43 सीटें ही हाथ लगी।